पक्की होती है। जो फिनिशिंग खिलौनों को औजारों से नहीं दी जा सकती, इसके लिए भी लुगदी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मदद से खिलौनों को हस्बे जरूरत संवारा जाता है। यहां फनकार दरबान की पगड़ी इसी आमेजस से बना रहा है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल खिलौने की जरूरत के मुताबिक मनचाही शक्ल देने के लिए करते हैं। चाहे वो कंधों की गोलाई हो या फिर हाथी का जिस्म वगैरह। फनकार हस्बे जरूरत हर खिलौने को इस खास चीज से संवारता है। जब एक खिलौने को मुकम्मल शक्ल मिल जाती है तो उन्हें धूप या साए में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। जब खिलौने सूख जाते हैं तो उन पर रेक मार्क यानी सैंड पेपर से रगड़कर पूरे खिलौने को हमवार चिकना मुलायम कर लेते हैं। कभी कभी मजबूती के लिए महीन कपड़ा और अखबार के टुकड़ों को भी खिलौनों पर चिपकाया जाता है। कोंडापल्ली खिलौने बनाने के लिए पहले खिलौनों के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग बनाया जाता है। मसलन इस हाथी और इस पर बैठे सवार का खिलौना बनाने के लिए सबसे पहले इस हाथी का शरीर, फिर इस हाथी के पैर, फिर इस हाथी की सूंड, इसके कान, इसका मुंह और इस सवार को बनाया गया होगा और फिर उन्हें साथ में इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। और अब इस खिलौने को अंजाम देने के लिए और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए इस पर बेहद खूबसूरत रंग किए जाएंगे। आइए देखते हैं। खिलौनों को अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। खिलौने सूख जाने के बाद उन पर शुद्धा लगाया जाता है। दरअसल ये चूने का पानी होता है। शुद्धा लगाने के बाद कारीगर अच्छी फिनिशिंग के लिए प्राइमर का कोट खिलौनों पर चढ़ाते हैं। खिलौने बनाने के आखिरी मरहले में खिलौनों को बड़े ध्यान और खूबसूरती से पेंट किया जाता है, रंगा जाता है। खिलौनों को रंगने के लिए पहले तो सिर्फ वेजिटेबल डाइस का ही इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ज्यादातर उन्हीं खिलौनों को वेजिटेबल डाई में रंगा जाता है जो बाहर के मुल्कों में भेजे जाते हैं। व
वेजिटेबल डाइस के अलावा ऑयल पेंट के रंगों से भी खिलौनों को रंगा जाता है। खास मौकों जैसे दिवाली, दशहरा पर ये कारीगर एनिमल पेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। लक्ष्मी जी, यहाँ पर वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल करके इन दरबान के कोंडापल्ली खिलौनों में रंग भर रहे हैं। कोंडापल्ली में औरतें पेंटिंग का काम ज्यादा करती हैं। इनके हाथों की हुनरबंदी वाकई काबिले तारीफ है। पहले कोंडापल्ली गांव के कारीगर बकरी के बालों से बने ब्रश का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ ये दूसरी तरह के ब्रशेस का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। पेंटिंग में तासुरात यानी एक्सप्रेशंस और डिजाइनों का खास ख्याल रखा जाता है। इन खिलौनों के चेहरों और नाक नक्श पर राजस्थानी सकाफत के रंग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। कारीगर रंगों की कारीगरी से खिलौनों में जान डाल देते हैं। मैं खिलौने बनाती हूँ। मेरे पेरेंट्स भी यही काम करते हैं और मेरे पति भी यही काम करते हैं। वो बनाते हैं और मैं पेंट करती हूँ। मेरे बच्चे भी यही काम करते हैं और वो साथ साथ पढ़ते भी हैं। एक बेटी MBA के पहले ईयर में है और दूसरी ग्रेजुएशन। हमारी बेटियों की शादी भी हो चुकी है। ये काम बहुत अच्छा लगता है हमें। जिस दिन हम काम करते हैं उस दिन सब ठीक रहता है। ये काम हमें बहुत अच्छा लगता है। इस देहात के हर घर में खिलौने बनते हैं। ये इनकी खानदानी रिवायत है। रोजगार का जरिया भी यही है। ये नेचुरल वेजिटेबल कलर्स हैं। इन्हें हमने आंध्र प्रदेश क्राफ्ट्स डिवीजन से खरीदा है। उसके बाद हमने इन्हें खुद बनाना शुरू किया। इनसे हमें बहुत फायदा हो रहा है। हमें बैरून ममालिक से भी और साथ ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चेन्नई से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। इसे सीखने की वजह से कई सारे मौके हासिल हो रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इसको बहुत फरोख मिल रहा है। तभी तो हम ये बना पा रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। कोंडापल्ली के खिलौने बड़ी खूबसूरती से जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं।
इन खिलौनों की खास बात यह है कि इनकी थीम लोक कहानियों से ली जाती है और यहाँ तक कि देवमाला की कहानियों से भी। यहाँ का दशावतार बेहद मशहूर है, ये विष्णु के 10 रूप दिखाता है। यहाँ के फनकार अपने खिलौनों के जरिए देही जिंदगी का मुजाहरा करते हैं। ये कारीगर बारीकी पर बेहद ज्यादा ध्यान देते हैं। खास बात यह है कि ये खिलौने हल्के हैं। इन खिलौनों का साइज 15 से 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर तक रहता है। ये दस्तकार आज नए नए तजुर्बे कर रहे हैं, पुराने नमूनों के संग नए नए नमूने बाजार में ला रहे हैं। इन्हें काम की कोई कमी नहीं। ये खिलौने 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के हैं। ये बेहद खुशी की बात है कि आज कोंडापल्ली के खिलौने मुल्क और बैरूने ममालिक में बेहद मशहूर हो रहे हैं और तोहफतन एक दूसरे को दिए जा रहे हैं। जिंदगी में कितने रंग भर देते हैं ये खिलौने। देखिए, इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि अभी अलमारी से बाहर निकल आएंगे ये नन्हे अजूबे। खिलौनों में जिंदगी नक्श कर देना कितना मुश्किल काम है, पर कोंडापल्ली के कारीगरों ने इस काम को बखूबी कर दिखाया है। कोंडापल्ली खिलौने सिर्फ आरायशी मसनुआत के तौर पर ही इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि इसमें छिपी है भारत की बुलंद सकाफत और विरासत की खुशबू, जिस पर हम सभी को नाज है। कोंडापल्ली के किले में आ पहुंचे हैं। इस किले के एक एक पत्थर से उस जमाने की जिंदगी और सोच की खुशबू आती है। तब के राजाओं की शाहपरस्ती की बदौलत कोंडापल्ली खिलौनों की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन इसे जिंदा बनाए रखा यहाँ के कारीगरों की लगन और मेहनत ने। लेकिन अब इस विरासत को आगे बढ़ाया जाए, ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि आपकी और हमारी भी है।